टुडे विल स्टार्ट विद हिज थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. लिखो जी. थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. ठीक है ना. इसमें आपको तीन टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी बुक्स में और इवन इन यूपीएससी क्वेश्चंस. या तो क्लास एंटागोनिज्म की बात की जाती है, एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, समझिए मतलब उसका एंटागोनिस्टिक. या फिर बात की जाती है क्लास स्ट्रगल की. ये अच्छी अच्छी किताबों में नहीं डिफरेंस क्लियर किया होता, बट अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है और हल्का सा एक सेंटेंस आप लिख दो कि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इंस्टेंटली इट विल गिव यू 2-3 मार्क्स मोर. और थर्ड लेवल क्या है? क्लास कन्फ्लिक्ट. थ्योरी एक ही है, थ्योरी एक ही है. अगर सपोज क्लास एंटागोनिज्म पे क्वेश्चन आता है तो अल्टीमेटली जो कॉज क्लास एंटागोनिज्म का है वही कॉज स्ट्रगल का है, वही कॉज कन्फ्लिक्ट का है. दिस आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लास इंटरेक्शंस. दिस आर डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्ट्राटास. ठीक है ना. स्ट्रगल क्लास एंटागोनिज्म में क्या है? थोड़ा हिडन है खिंचाव, एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन. जैसे मैंने, इफ यू कैन रिकॉल लास्ट लेक्चर में हमने कहा ना एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन, कि हम एंटागोनिस्टिक हैं. जैसे हस्बैंड वाइफ, दे आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन, खिंचतानी चलती रहती है. फैक्ट है. सॉलिडरिस्टिक कोऑपरेशन नहीं होती, जैसे दो दोस्तों के बीच में होती, नहीं है वो, नहीं है कि इशारों में होता नहीं था. जब कॉलेज में होते थे तो दो तीन दोस्त इशारों में चल रहे, जैसे हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते होते थे, कई बार एक उधर बैठा है एक इधर बैठा है, तो हमने मतलब चाय पीने चले वो इशारे होते हैं. दैट इज सोल्डरिस्टिक कोऑपरेशन. कि आप मतलब एक एग्जांपल है ना. बट सेकंड देन एंटागोनिज्म टेक द शेप ऑफ स्ट्रगल. क्या आप एक वाद विवाद में आ गए, स्ट्रगल में आ गए, कि नाउ दैट एंटागोनिज्म इज सर्फेसिंग, सर्फेसिंग, कि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या आपकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो जाहिर होने लगी हैं. और थर्ड लेवल इज कन्फ्लिक्ट, कि अब जूते चप्पल चलने लगे हैं. ठीक बात. सो दैट इज नॉर्मल, दैट इज हाउ द प्रोसेस. लेकिन आपके लिए थ्योरी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे क्वेश्चन क्लास एंटागोनिज्म पे आ जाए, चाहे स्ट्रगल पे आ जाए, चाहे कन्फ्लिक्ट पे आ जाए. उसका कॉज सेम है, उसका कल्मिनेशन कॉन्सिक्वेंस सेम है. जो कॉज इसका है वही इसका है, वही इसका है, कोई फर्क नहीं है. इंटेंसिटी का फर्क है और कॉन्सिक्वेंसेस भी अल्ट फाइनली रेवोल्यूशन के अंदर है, कि हाँ सोसाइटी स्ट्रगल से बदलेगी, सोसाइटी कन्फ्लिक्ट से बदलेगी. लेकिन बड़ा बड़ा करके अच्छे से लिख लो कि जो पेपर में क्वेश्चन में वर्ड दिया है आपने वही वर्ड लिख के आना है पेपर में. ये नहीं कर सकते आप क्वेश्चन में क्लास एंटागोनिज्म लिखा है और आप अपने आंसर में स्ट्रगल लिखे जा रहे हैं. कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है ये, इट्स नॉट अ बिग क्राइम, बट डेफिनेटली इट विल टेक अवे योर 2-3 मार्क्स. इतनी डिग्री है इसकी. तो अगर एंटागोनिज्म है तो और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये टेस्ट में भी आप ये गलती करोगे, जबकि करनी नहीं है. फालतू में नंबर हमारे पास खोने के लिए नहीं है. बड़ी मुश्किल से नंबर इकट्ठे किए जाते हैं, तो इतनी ट्रिवियल सी बात के लिए कि मैं बुक लिखना भूल गए जी, है ना, या मैं ये कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में दिए हैं वो लिखना हम यूज़ करना भूल गए, उस वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं. अब पेपर में क्वेश्चन पूछा आपके, डिस्कस या क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्स व्यूज ऑन सोसाइटी, सपोज आता नहीं लेकिन सिंपल, आप थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल में लिखने लग गए. भाई बात वही है, आई अंडरस्टैंड, हमने फर्स्ट सेंटेंस वही लिखा है कि मार्क्स जनरल आइडियाज अबाउट सोसाइटी आर कंटेंट इन थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बट ही हैज नॉट आस्क यू थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ही हैज नॉट आस्क यू दैट. उसने क्या पूछा? क्रिटिकली एग्जामिन हिज व्यूज ऑफ ऑन सोसाइटी.
तो लिखनी आपको वही थ्योरी है, लेकिन फोकस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म नहीं है, व्यूज ऑन सोसाइटी है। लिख दो के बीच में कि इन व्यूज ऑन सोसाइटी को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, लेकिन एवरी टाइम यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज सोसाइटी, चेंज इन सोसाइटी, चेंजेस इन सोसाइटी डैश मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन। सो दिस इज द होल व्हाट यू से प्रीव्यू ऑफ यूपीएससी राइटिंग, यही जीएस में रूल ऑपरेट होता है, राइट? तो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द ब्रिक्स, कि क्या इसके अंदर चीज है। देखो दो बातें हैं, थ्योरी ऑफ क्लास एंड थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, है ना? बात वही है जैसे हमने पहले लेक्चर में किया कि व्हाट इज सोसाइटी पहले बताता है वो, एंड देन ही सेज हाउ सोसाइटी चेंजेस। इसमें भी हमने कहा है कि पहले वो हाउ ही डिफाइंस क्लास, कि क्लास है क्या, ठीक है? डिफाइन करने के बाद, सारा उसका बताने के बाद, देन ही विल एक्सप्लोर कि क्लास स्ट्रगल कैसे इवॉल्व करती है, हाउ क्लास स्ट्रगल चेंजेस, है ना? यही होना है, तो पेपर में क्वेश्चन जैसा भी आ जाए, राइट? बट आपके पास ब्रिक्स रहेंगी एंड यू कैन ऑलवेज यूज दोज ब्रिक्स एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम, ये क्लियर होगी बात सबको, ये ठीक है। तो सबसे है पहले व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या है, देन टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्लासेस, ट्वेल्थ में कितने टाइप की क्लासेस की बात करता है वो, देन क्लास डायनामिज्म, कि कैसे उसका जो कंसेप्शन है क्लास की वो डायनामिक है, क्लास स्टैटिक नहीं है, क्लासेस बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। फिर हम लिखेंगे क्लास स्ट्रगल, है ना? क्लास स्ट्रगल में हम क्या क्या करेंगे, रीजंस कि क्लास स्ट्रगल क्यों होती है, है ना? फिर हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है क्लास स्ट्रगल का, हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ इट मूव्स, है ना? एंड देन फाइनल कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंसेस, कि स्ट्रगल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत ध्यान से करनी है, थोड़ी आप जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ वो करके आनी है, ना कि जो कोई भी बुक में से आप पढ़ोगे, बुक में सब खिचड़ी होती है, राइट? यहाँ पे आपको जो फोकस क्वेश्चन आएगा पेपर में उसके अकॉर्डिंग आप लिख पाओगे। सो वील हैव वन ब्रिक, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, दीज आर द सिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी।